वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल दृष्टि। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम कोई भी अमाउंट अगर किसी प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं तो वो प्रोडक्ट उस अमाउंट के एवज में हमें क्या सर्विस या क्या क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है ये जानने के लिए है। हमारा आज का जो फ़िलहाल का प्रोडक्ट है वो है डिजिटल थर्मामीटर। इस डिजिटल थर्मामीटर की जो मार्केट प्राइस है वो 150 से 200 रुपये है और 6 महीने की वारंटी के साथ ये डिजिटल थर्मामीटर मैंने एक मेडिकल शॉप से लिया और उन्होंने 180 रुपीज़ मुझसे चार्ज किए। लेकिन घर पे आके मैंने नोटिस किया कि इस पर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा है वो 111 यानी कि 111 रुपये लिखा है और एक लेवल अलग से था, नॉर्मल लेवल के ऊपर एक अलग से लेवल था 111 फ्रॉम जून 2021 एज़ पर NPPA रूल्स। फिर मैंने NPPA के बारे में जानना चाहा तो NPPA होता है हमारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन की जो प्राइस है उसको नियंत्रित करती है, उनको निर्धारित करती है। तो इसके हिसाब से कुछ ना कुछ रिबेट मेडिकल इक्विपमेंट्स पर दिया गया है हमें, मे बी कोविड की वजह से या किसी और रीज़न से। तो जो नए प्राइसिंग है वो 111 है। मैं वापस गया और वापस जा कर के मैंने उन्हें MRP के बारे में बताया तो बड़ी शालीनता से उन्होंने स्वीकार किया और मेरे रिमेनिंग बैलेंस यानी कि 69 रुपीज़ मुझे वापस कर दिए। अब देखते हैं इसकी फंक्शनिंग के बारे में। ये जो टिप है इस टिप, ये टिप को पकड़ने के लिए है और ये बटन है इसको ऑन करने के लिए। इसे स्विच ऑन करते हैं। ये फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होना चाहिए 98.6 और डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में हम देखते हैं क्या टेम्परेचर है मेरी बॉडी का। हो सकता है रूम में कूलिंग की वजह से टेम्परेचर थोड़ा कम रहे। अभी 93.6 पे स्टैटिक हो गया तो बीप तो बच जानी चाहिए, बाकी देखते हैं बीप बच्ची है नहीं। ठीक है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बीप बज गई है, इसका मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये हमने नोटिस कर लिया और इसे हम बंद कर देते हैं। अगर इसे हम डिग्री सेल्सियस में नापना चाहें तो इसको, इसके मोड को चेंज करने का तरीका है, इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए इस बटन को दोबारा से। ये फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज हो गया और अब अगर हम जब टेम्परेचर नापेंगे तो ये 37 डिग्री आना चाहिए नॉर्मली। आप देखते हैं कितना टेम्परेचर आता है। अगर फ़ारेनहाइट में कम आया तो डिग्री सेल्सियस में भी ये कम ही आना चाहिए। लेट्स सी कितना आता है। डिग्री सेल्सियस 5 हुआ। अगर सुन पा रहे हैं तो बीप बज चुकी है, इसका मतलब 34.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मेरा टेम्परेचर नहीं होगा। और अब क्या करते हैं, इसे हम ऑफ कर देते हैं। इसको यूज़ करते समय ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब आप इसको यूज़ करें, एक तो इसे अच्छे तरीके से सैनिटाइज पहले भी करें और बाद में भी करें, इसके साफ अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और इसे बैटरी ज़्यादा देर तक चलती रहे, बैटरी ड्रेन ना हो। तो यूज़ करने के बाद इसकी बैटरी को जैसे अभी ऑन है इस तरीके से ऑफ़ कर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो टेक्निकल दृष्टि। थैंक यू।